कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन नए कानूनों के विरोध स्वरूप आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते करनाल जिले में 9 स्थानों पर किसानों द्वारा धरना दिया गया और आने जाने वाले वाहनों को रोका गया। आपको बता दें कि करनाल के नजदीक नगला मेघा चौक पर किसानों द्वारा धरना दिया गया। गौरतलब है कि यहां से यूपी से वाहन हरियाणा में प्रवेश करते हैं, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर शाम के 6 बजे तक वाहनों को यहां आने से रोका गया। वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों ने कहा कि इससे उनका भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो माल आगे पहुंचाना होता है वह यहां रोके जाने से खराब हो सकता है। इधर किसान नेताओं ने कहा कि ये देशव्यापी बंद है, जिसके चलते आज यहां नगला मेघा में धरना देकर कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी बीमार आदमी को वाहन एम्बुलेंस में लेकर आता है तो उसको जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां से कुछ जवानों की गाड़ियां जो अंबाला की ओर जा रही थी उनको भी जाने दिया गया। यहां हम आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन नए बिलों के विरोध में पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो आपने जाम लगाया है, इसको भारत बंद कह रहे हैं, लेकिन ये आर्मी का ट्रक निकल फंसा था तो उसको निकलवाया गया, क्या कहा इन्होंने? ये सर ऐसा है, जैसे एम्बुलेंस हो गई, मिलिट्री वाले हो गए, किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, कोई मरीज हो, वैसे किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो उसको निकाला जा रहा है। वैसे मिलिट्री ने जाना था, बहुत इमरजेंसी थी इनको, तो हमने नहीं रोका, हमने इनको खुलवा कर सारी और आगे से रास्ता खुलवा के, तो हमने इसको जाने दिया है। और अगला बेचारा धन्यवाद कर रहा है अभी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद निजी जय जवान जय किसान, जवान भी है, किसान रहेगा तो जवान रहेगा जी। देखो जी, ये बॉर्डर पे देते हैं और हम ही आ देते हैं, खेतों में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, काम हमारा काम क्या है जी, किसानी का, और इनका काम क्या है जी, बॉर्डर पे पहरा देना। ये जवान है जी हमारे, इनको नहीं रोका जाएगा, ये निकालेंगे। हाँ जी, अम्बाले जाने, इन्होंने अम्बाले के लिए जाना था इन्होंने, तो वो उनको जाने दिया है, कोई इमरजेंसी किसी को होगी उसको नहीं रोका जाएगा। हाँ, उनको हम निकालेंगे, कोई वो बात नहीं, बाकी ये जाम तो ऐसे ही रहेगा और 6 बजे तक रहेगा जाम। हाँ, जो ये आम लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, मजदूर किसान एकता, 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 मजदूर किसान दुकानदार एकता, मजदूर किसान दुकानदार एकता, मजदूर किसान दुकानदार एकता। भाई सर, क्या बताना चाहते हैं आज देश बंद के आंदोलन में? जी बताइए, मैं आज यहाँ इस वक्त नगला चौक पर खड़ा हुआ हूँ और मेरा ये ब्लॉक पड़ता है घरोंडा, मैं यहीं के पास से करेप से आता हूँ। तो आज जो किसान आंदोलन का आह्वान है किसान संयुक्त मोर्चे का, कि आज पूरे हिंदुस्तान में 26 तारीख को जन बंद का आह्वान किया गया था, तो उसकी रूपरेखा हमारे आदरणीय किसान नेताओं ने और तमाम प्रदेश या जिला के स्तर पर जो हमारे आदरणीय किसान नेता हैं उन्होंने पहले इसकी तैयारी कर ली थी और आज हम जो है ना उसी को आदेश की पालना करते हुए आज हम जो है ना उसमें सहयोग करने के लिए अपने आदरणीय किसान नेताओं का आदेश की पालना करते हुए और भाइयों की सेवा के रूप में हम जो है ना यहाँ हाजिर हुए। किन किन जगह पर ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं? ये तकरीबन करनाल में 9 पॉइंट हैं, उसमें एक ये नगला चौक का भी है, इंद्री रेस्ट हाउस के सामने है, प्यों टोल टैक्स पे है, निसंग ब्लॉक में है, बला में है, घरोंडा में 2 जगह है, तो ये इसी तरीके से नीलोखेड़ी में है। ये आदरण हमारे जिले के किसान यूनियन ने हमारी उसने 9 पॉइंट जो है निश्चित किए हैं कि उन पे जो है ना ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आम पब्लिक का कितना सहयोग मिल रहा है? आम पब्लिक का सहयोग है, आम पब्लिक के सहयोग के अलावा तो कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता, इसलिए मैं उनका सभी का शुक्रगुजार हूं और आगे अपील करता हूं खासकर नौजवान साथियों से कि इसमें जो है ना 36 बिरादरी के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आगे आकर जो है ना आंदोलन को सफल मनाने की और जो 300 से ज़्यादा शहादतें हमारे किसान परिवार की हुई है उनको किसी दर्जे तक उनके जो है ना मैं उनको सैल्यूट करने का काम करता हूँ। क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम। कहेंगे आप? हाँ जी, दुकानदार आइए, किसान आंदोलन चलता रहेगा जी। किसान आंदोलन में साथ हो आप? हाँ जी। दुकानदारी का नुकसान हो रहा है? हो रहा है जी। क्या कर रहे हैं आप? किसान आंदोलन का भी तो नुकसान है जी। किसानों का भी नुकसान है? हाँ जी। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ पर हो? क्या किस जगह है? ये है दुकान है जी। क्या जगह है, क्या नाम है यहाँ का? नगड़ा चौक। जाम में बैठे रहोगे? हाँ बैठे हैं जी।
हाँ जी, कहाँ से आए और कहाँ जाना है आपको? मैं करनाल से आया हूँ जी, शामली जा रहा हूँ। तो रास्ते बंद है सारे? बंद रहने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसानों के साथ में खड़े हैं। किसानों के साथ में खड़े? हाँ। सरकार गलत कर रही है जो कर रही है? सरकार गलत कर रही है जी, MSP दो ना किसानों को जी। कितने टाइम से किसान बैठे हुए हैं? ये तो 4 महीने हो ले जी, दिसंबर से बैठे हैं। कई मर भी चुके हैं किसानों की? कम से कम मर गए 400 आदमी मर लिए। किसानों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन में जी, किसानों के साथ में है। क्या सरकार से किसानों की मांग पूरी करो। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।